आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम्स थ्रू फ्लो चार्ट्स। जो कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उससे पहले आपके दिमाग में एक प्लान होता है, किस स्टेप के बाद आपको कौन सा स्टेप करना है, उसी को आप समझिए कि आप एल्गोरिथम कहेंगे। अब इस एल्गोरिथम को समझने के लिए या तो आप सूडो कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लें, वन स्टेप ये, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये स्टेप होगा, फोर्थ, ऐसे लिख लें। या फिर हमारे पास एक और अच्छा तरीका है जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवाह तालिका। तो इसका यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ग्राफिकली आपके एल्गोरिथम को, आपके प्रोग्रामिंग को एक शेप देता है कि कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, क्या आपने इनपुट किया, क्या प्रोसेसिंग हुई, कैसे आउटपुट आया, कौन सी कंडीशन लगा के आपने क्या चेक किया, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। तो अब ये फ्लो चार्ट्स कैसे आप लोग यूज़ करेंगे तो इसको देखिए। देखिए फ्लो चार्ट नॉर्मल आप पेपर पे बना के, नॉर्मल पेपर पे बना के देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बना के। तो इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, उन सिंबल्स को हमने फिक्स किया हुआ है कि ये सिंबल इसी काम के लिए लिए जाएंगे। जब आप प्रोग्राम को बताते हैं कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो आप इसके अंदर इसके एक इस तरह का ओवल शेप बनाइएगा, या आप सर्किल भी बना सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो इसके अंदर स्टार्ट लिखें आप, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम को या स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टार्ट और स्टॉप दोनों के लिए हम लोगों का यही पार्ट यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमने ऐसे लिख दिया इसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, आपको दिख जाएगा। ये स्टार्ट और स्टॉप हमने इसके अंदर लिखा है, ये जो हमने लिखा है ये आपका फ्लो चार्ट का सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, समझिए आप इसे, ये सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला हिस्सा है। इसे हम लोग फ्लो चार्ट के पहले हिस्से में यूज़ करेंगे जब प्रोग्रामिंग बनाएंगे, अभी हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे यूज़ किया जाएगा। दूसरा, मैं अभी आपको खास खास मेन मेन पार्ट बताऊंगा। दूसरा पार्ट होता है कि कंप्यूटर में हमने क्या इनपुट किया या क्या आउटपुट हमें मिला, तो इनपुट आउटपुट के लिए इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, लेकिन ये देखिएगा इसकी जो लाइनें हैं, इसको समानांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं, ठीक है, वो वर्टिकली अभी आप देखेंगे तो अलाइंड नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, एकदम जो अलाइंड रेक्टेंगल बनाएंगे ना वो आप लोगों का अलग होगा। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट का काम करेगा, मतलब इस बॉक्स को हम लोग इनपुट या आउटपुट बॉक्स के नाम से जानते हैं, आउटपुट बॉक्स, ठीक है, या इनपुट आउटपुट कह दे तो काफ़ी अच्छा हुआ, इससे ज़्यादा भी नहीं। तीसरा पार्ट होता है कि कंप्यूटर ने क्या प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये है, इसको प्रोसेस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये प्रोसेस बॉक्स है, क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, वो जब प्रोसेसिंग करेगा तो वो प्रोसेसिंग इसके अंदर लिखी जाएगी कि ये इसने ये प्रोसेस किया। अब एक और सिंबल आपको यूज़ करना पड़ेगा जब कंडीशंस चेक करेंगे, तो कंडीशंस चेक करने के लिए आपको डायमंड शेप का एक सिंबल होता है हमारा इस तरह से, इसको यूज़ करना पड़ता है। इसके दो पार्ट रखे जाते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, कोई भी साइड आप ट्रू बना सकते हो, जैसे मैंने इस साइड में ट्रू लिख दिया, ये चार कॉर्नर है, चार कॉर्नर में से किसी भी साइड को आप ट्रू का पार्ट बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पार्ट पे ट्रू लिखना है या ये पार्ट पे फॉल्स लिखना है, ठीक है। दूसरा एक पार्ट और बनाया मैंने, नीचे की तरफ लिख दिया, यहाँ पे नीचे की तरफ इसको बना लिया, कोई भी साइड यूज़ कर सकते हो और कोई भी साइड पे आप ट्रू या फॉल्स लिख सकते हो। तो ये साइड मान लीजिए मैंने ट्रू के लिए यूज़ की है, ट्रू, तो मैं इस तरफ में ट्रू लिख रहा हूँ, किस तरफ भी फॉल्स या ट्रू मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये प्रॉपर शेप में अच्छे से बनाइएगा अपने एग्ज़ाम में कॉपी में, और ये साइड पे मैं फॉल्स लिख रहा हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है जिस साइड में मैंने फॉल्स लिखा है उसी साइड में ही फॉल्स लिखा जाएगा, ट्रू वाली साइड में भी फॉल्स लिखा जा सकता है और फॉल्स वाली साइड को ट्रू बनाया जा सकता है। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, ये देख रहे होंगे इसके तरफ डायरेक्शन लिखा हुआ है कि ट्रू होगा तो इस तरफ जाएंगे और फॉल्स होगा तो इस तरफ आएंगे। ये एक कंडीशन बॉक्स के नाम से जाना जाता है, इसको कंडीशन बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिलहाल तो मैंने इसको कंडीशन बॉक्स लिख दिया, कंडीशन बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर आपके एक्सप्रेशंस वो होंगे जो आप लोगों को इसके अंदर कंडीशंस डालनी होंगी ना,
जो भी कंडीशन डालेंगे वो इसके अंदर लिखी जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है आप लोगों का डायरेक्शन एरोज। ये डायरेक्शन एरोज जो होती हैं ये आपको बताती है कि डेटा का फ्लो किस तरफ होगा। एक्चुअली हमारा काम तो मेन फ्लो का ही है। ये आपकी डाउन में हो सकती है, ये राइट में हो सकती है, ये लेफ्ट में हो सकती है, ठीक है, ये अप में है। आप लूपिंग वगैरह सीखोगे तो आपको अप साइड में भी वापस जाना पड़ेगा, तो अप डाउन लेफ्ट राइट किसी भी साइड हो सकती है, तो डायरेक्शन एरो कीज भी यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम लेते हैं, एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इस प्रोग्राम में क्या है कि आप ऐसा समझिए कि हमारे को एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन करनी है कि मैंने कुछ अमाउंट इनपुट किया, सॉरी कोई मुझे सामान परचेज करना है मार्केट से, और सपोज़ कीजिए वो कुछ एक फिक्स क्वांटिटी में मुझे परचेज़ करना है, तो कितनी क्वांटिटी में मैंने परचेज़ किया और क्या उसका प्राइस है, एक आइटम का कितना प्राइस है, उससे मैं टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ। तो उसका एक प्रोग्राम बनाना है कि आपको एक आइटम का प्राइस इनपुट करना है और उसकी क्वांटिटी इनपुट करनी है, टोटल अमाउंट उसका निकल के आए, फ्लो चार्ट से बताना है हमारे को। बहुत ही सिंपल सा हो गया ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल प्रोग्राम ही हम पहले देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, एक फ्लो चार्ट बनाया, स्टार्ट किया इसको, और इसके अंदर लिख दिया हमने कि हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। इसके बाद हम लोग कुछ इनपुट करेंगे तो इनपुट बॉक्स को यूज़ करेंगे हम लोग, तो हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स बना दिया। इनपुट बॉक्स स्टार्ट करने के बाद आएगा, तो इसको हमने इसके साथ कनेक्ट भी कर दिया है, और इनपुट बॉक्स में हमने लिखा कि हमने क्या इनपुट किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। आप इनपुट के लिए आप कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे प्राइस यूज़ करना है तो मैं पी लिख दूंगा, या प्राइस पूरा लिख दीजिए, ठीक है, और क्वांटिटी तो मैंने QTY लिख दिया, ठीक है। तो आप मर्जियाँ जो यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पार्ट आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये दो चीज़ें कंप्यूटर में इनपुट की। इनपुट करने के बाद क्या हुआ, कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा, तो कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे उस कैलकुलेशन को हमने दिखाने के लिए एक प्रोसेस बॉक्स को बनाया। ये प्रोसेस बॉक्स है, देखिए इनपुट बॉक्स और प्रोसेस बॉक्स में अंतर है, एक जैसा मत बना लीजिएगा, ये थोड़ा टिल्ट है, ये बिल्कुल एकदम पैरेलल है, बिल्कुल आपको अलाइन नज़र आएगा, एकदम स्ट्रेट। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, मान लो मेरे को टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो मैंने AMT लिख दिया। ये कीवर्ड्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और आगे तक प्रोग्रामिंग में जो आपने एक बार यूज़ किया उसी को फॉलो कीजिए। तो मैंने प्राइस को मल्टीप्लाई किया, प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, क्वांटिटी से, तो ये मेरा टोटल अमाउंट आ गया, और ये इसके बाद का फ्लो है, तो यहाँ पे फ्लो लगा दें आप, ठीक है, ये फ्लो टॉप से चलता हुआ आ रहा है, इस तरह से हो गया। अब वो जो अमाउंट आया है AMT में अमाउंट आया है, उसको मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए भी आपको वही बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा जो आपने इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया था। तो इनपुट आउटपुट वाला मैंने बॉक्स यहाँ पे फिर से बनाया, और इसमें मैंने लिख दिया कि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए। आप आउटपुट लिख दें, प्रिंट लिख दें, कुछ भी लिख दें, या राइट लिख दें प्रिंट, मुझे AMT जो मेरा अमाउंट है वो मैं स्क्रीन पर प्रिंट पर लूँगा, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा एकदम स्ट्रेट पर बनाए, फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया, और फिनिश करने के लिए भी आपको जैसे स्टार्ट बॉक्स बनाया था सेम वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। ये स्टॉप बॉक्स बना दें, इसके अंदर लिख भी दें कि आप ये स्टॉप कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो हमने यहाँ लिख दिया स्टॉप, STOP स्टॉप लगा के इसको लिख दिया है, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट का सिंपल मेथड है। अगर आपको कोई कंडीशन देनी पड़ी, ठीक है, कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई प्राइस वाइज इनपुट किया है, जो कुछ भी इनपुट किया है, मुझे इसमें कंडीशन डालनी है कि अगर मैं अमाउंट, टोटल अमाउंट मेरा मान लीजिए 1000 से अबव होता है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि डिस्काउंट देना चाहता हूँ 10% का, और अगर उससे कम होता है तो 5% का डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो आप अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इस प्रोग्राम का फ्लो मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को कंडीशन देनी है, तो कंडीशन देने के लिए हमारे पास कंडीशन बॉक्स है, जो डायमंड शेप का मैंने बताया था आप लोगों को, वो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो मैंने डायमंड शेप वाला कंडीशन बॉक्स यहाँ पे बनाया, और पहले मैं इसके अंदर कंडीशन लिखूंगा, बाद में इनको आपस में कनेक्ट करूंगा। तो मैंने इसके अंदर कंडीशन डाल दी है कि अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने दोनों लगाए हैं, ठीक है, हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, और आप लोगों का जो मैथमेटिकल में लिखा जाता है वो
ग्रेटर देन के सिंबल के नीचे ही एक बार लगा देते हो आप, उससे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लिखा गया है। अब इसकी दो साइड होंगी, एक तो ट्रू होगी अगर मान लीजिए अमाउंट 1000 से ज़्यादा होता है या नहीं होती है, तो मैं दो साइड इसकी लिखूंगा। कोई भी साइड किसी भी तरफ बना सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। मान लीजिए मैंने इस तरफ बना दिया फॉल्स और इस तरफ बना रहा हूँ ट्रू, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रोकेगा इसके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बॉक्स अगर दो या तीन बार यूज़ हो रहा है, डायमंड बॉक्स दो तीन बार, और फर्स्ट बॉक्स में आपने ट्रू जिस तरफ लिखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी तरफ आपको ट्रू लिखना पड़े बाकी बॉक्सेस में भी। उल्टा ना करें फिर उसको, फिर वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए उसको चेंज ना करें। तो मैंने यहाँ पे ट्रू पार्ट लिख दिया कि यहाँ पे मेरी वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है, आपको ये दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ये ट्रू पार्ट दिखाई दे रहा है, ट्रू इस तरफ है और फॉल्स इस तरफ लिख रहे हैं हम लोग। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे लिख दिया है फॉल्स, और ये देखिए ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे फॉल्स लिख देते, मैंने कॉपी किया इसीलिए अब फॉल्स लिख देते हैं। अगर ट्रू होता है तो आपको क्या करना है और फॉल्स होता है तो क्या करना है, तो मैं प्रोसेसिंग करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा। तो प्रोसेस बॉक्स बनाइए, प्रोसेस बॉक्स बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक प्रोसेस बॉक्स बनाया, ऐसे प्रोसेस बॉक्स एक बना लिया, और इसका जो फ्लो होगा वहाँ से अगर ट्रू होता है तो उस तरफ से आते हुए, आप चाहे तो एरो का साइन बिल्कुल लास्ट में भी ले सकते हैं कि शुरुआत में ना लें, शुरुआत में एक बिल्कुल सिंपल लाइन लें और इसको डाउन पोजीशन पे लाते समय, ये डाउन पोजीशन पे ला रहे हैं तो उस वक्त इस पे एरो का साइन हमने लगा दिया कि ये यहाँ पे आ गया। ऐसे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो फॉल्स होती है तो सेम ऐसा ही प्रोसेस हमारे को अब दोबारा करना है। यहाँ पे हमारे को एक दूसरा प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। दो तरीके की प्रोसेसिंग होगी कि या तो आप लोगों का 5% कैलकुलेशन होगी या फिर आपकी 10% होगी। तो 5% होती है तो कितना होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो मेरा डिस्काउंट है, मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख रहा हूँ, इसको मैंने DISC कोई भी नाम से आप इसको यूज़ कर सकते हो, सिर्फ D भी लिख सकते हो या डिस्काउंट पूरा भी लिख सकते हो। जो मेरे पास अमाउंट आया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 100 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से, तो ये 10% डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। और अगर मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ 5%, तो हमने यहाँ लिख दिया DIS। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आप यही वेरिएबल जब प्रोग्रामिंग करोगे तो यूज़ करें या ना करें आपकी मर्जी है। ये जो मैंने नाम दिए हैं ये आइडेंटिफायर के नाम, अंदर जो नाम दिया EMT DISC कुछ भी दे सकते हो आप। ये 5%, अब इस तरफ से या तो आप दोनों साइड में से एक ही साइड चूज़ करोगे, या तो इस तरफ आओगे आपका अमाउंट 1000 से ज़्यादा होगा या नहीं होगा। दोनों साइड में से मैं किसी भी तरफ आता हूँ, या तो इस तरफ आता हूँ या आपके फॉल्स साइड में आता हूँ, किसी भी तरफ आऊँ तो मैं इनको एक पॉइंट पर ला के मिला रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पर ला के इनको मिला दिया कि उसके बाद जो है ये कंबाइंड हो जाते हैं, दोनों साइड में से एक तरह की कैलकुलेशन होगी। जो भी कैलकुलेशन होगी उसके बाद एक कैलकुलेशन होगी कि टोटल अमाउंट अब कितना हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने फिर प्रोसेस बॉक्स को लिया, इसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे नीचे, और मैं अब यहाँ पे टोटल अमाउंट, वो तो हमारा अमाउंट था, अब नेट अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो नेट अमाउंट आपके डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आएगा। तो जो हमारा अमाउंट है उसमें से हमने डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्काउंट पता नहीं हमें 5% कैलकुलेट हो या 10% हो, जो भी होगा नेट अमाउंट आप लोगों के पास आ जाएगा, अमाउंट में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो 10% कैलकुलेट होगा डिस्काउंट या 5% होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेट अमाउंट आ चुका है इसको हम प्रिंट कर देंगे। अब प्रिंट के लिए आपको प्रिंट बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो प्रिंट बॉक्स आप जैसे हमेशा से बनाते हैं वैसे आप ले लें और इसे बना लें। तो ये प्रिंट बॉक्स बनाया हमने और इसके अंदर लिख दिया है हमने कि हमने प्रिंट किया है। आप चाहे तो सब चीज़ प्रिंट कर दें कि आपका अमाउंट कितना हुआ, आपका डिस्काउंट कितना हुआ और आपका नेट अमाउंट कितना हुआ, तो आप सब कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट बॉक्स में लिख दिया और इसको हमने फ्लो पे भी डाल दिया। ये फ्लो बॉक्स, फ्लो एरो लाइन बनाना बेहद ज़रूरी है, तो ये फ्लो बना दिया। इसके बाद हमारा प्रोग्राम अब फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप स्टॉप बॉक्स बना दें। तो लास्ट में आपने यहाँ पे एक स्टॉप बॉक्स बना दिया कि अब हमारा प्रोग्राम फिनिश्ड होता है। इसके अंदर लिखें क्योंकि हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, स्टॉप के लिए भी यूज़ होते हैं, दोनों के लिए यूज़ होते हैं, तो ये हमने स्टॉप कर दिया। तो ये फ्लो चार्ट हो गया आपका। जब आप कोई अमाउंट, सॉरी प्राइस इनपुट कर रहे हो किसी आइटम का, क्वांटिटी इनपुट कर रहे हो, उसको कैलकुलेट किया, टोटल अमाउंट अगर 1000 से ज़्यादा होता है तो 10% डिस्काउंट, नहीं तो 5% डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट होगा कैलकुलेट होने के बाद में अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, नेट अमाउंट आ जाएगा और उसको हम प्रिंट करेंगे। इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। आपको ये मुझे लगता है